रिचर्ड नोएडा में हादसे के बाद की चौंका देने वाली तस्वीरें सामने आई है। कार और ट्रैक्टर की टक्कर के बाद कार पूरी तरह से चकनाचूर हो गई और फिर कार में बैठी एक महिला और एक आदमी अंदर ही फंस गए। कार इस तरह से चिपक गई कि उसका दरवाजा खोलना मुश्किल हो गया। तस्वीरों में आपको कार में बैठी हुई एक महिला दिखाई दे रही होगी। तो देख सकते हैं दो तस्वीरें आप लगातार। ग्रेटर नोएडा में कार में फंसी हुई महिला, यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ और ट्रैक्टर ट्रॉली ने कार में टक्कर मार दी जिसकी वजह से कार दुर्घटनाग्रस्त हुई। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। हिमांशु शुक्ला फोनलाइन पर जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। हिमांशु, कार में फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला गया, एक महिला अभी भी फंसी हुई दिखाई दे रही है इस वीडियो में। कैसे हादसा हुआ, क्या जानकारी इस हादसे को लेकर, क्या लेटेस्ट अपडेट? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि ये एक्सप्रेस वे पर हुआ था टनकौर थाना क्षेत्र में और ये हादसा हुआ जिसमें एक कार जो ट्रैक्टर ट्रॉली था खड़ा हुआ था एक्सप्रेस वे पर, उसमें जाके पीछे से घुस गई, लिहाजा कार बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई। गनीमत ये रही कि जो सभी इन लोग सवार थे वो सभी सुरक्षित हैं, परिवार के सदस्य, हालांकि चोटें आई हैं, उनको नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया है। जैसे ही ये सूचना मिली तो आसपास के लोग और इसके साथ ही मौके पर धनगौर थाना क्षेत्र की पुलिस भी पहुंची थी, लिहाजा सभी लोगों को, माँ बेटी जो आगे बैठे हुए थे, इसके अलावा बगल में एक व्यक्ति भी बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, इन सभी को सुरक्षित निकाला गया है और नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। और इसके अलावा पुलिस का कहना है कि इसमें तफ्तीश की जा रही है, तफ्तीश के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी और फिलहाल सभी लोग सुरक्षित हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका हिमांशु।